हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ कौशिक, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ कौशिक व्लॉग्स। तो क्या हाल है भाई और बहनों के? तो दोस्तों, कैसा लग रहा आज मेरे व्लॉग को देख के कमेंट में बताना। आज बड़े दिनों बाद व्लॉग आया है। आज हम जा रहे हैं मिनी मनाली, जो कि हमारे गांव में ही है। ये साला लाइट की बड़ी दिक्कत है, टेढ़ा टेढ़ा चलना पड़ रहा है। मिनी मनाली चलते हैं, आओ आपको अब रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, कल रात को हुई थी बारिश, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है। और अभी हम फुल जंगल में जा रहे हैं, कीड़े काटे सांप सूप हमें रास्ते में कुछ भी मिल सकता है। चलो, हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। हे गाइस, अब भी हमने रनिंग कर लिया है, हम यहाँ ग्राउंड पे आए हुए थे और अभी जाएंगे हम वहाँ पे। तो कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, वे भी आने वाले हैं, तो उनके साथ ही जाएंगे। अभी उसके दो रूट है, एक तो जहाँ से हम आने लग रहे थे वहाँ से है, वहाँ से क्या है हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अभी यहाँ से क्या होगा, हमें ढलान उतरनी पड़ेगी, पर जो वहाँ का नज़ारा है वो वही रहेगा। आओ अभी आपको दिखाते हैं, आपको सीधा रास्ते में मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी रास्ता स्टार्ट हो चुका है। पीछे दीवार टूटी हुई थी, यहाँ से हमने स्टार्ट करा रास्ता भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश वारिश हुई थी कल रात को, और जंगल में वैसे ही सांप वाप का डर रहता है। मैंने जहाँ जिस रूट से हम जा रहे हैं, यहाँ पे दो तीन बार सांप देख रखे हैं, इसलिए वैसे ही डर लग रहा है। और अभी इसमें देख के चल रहा हूँ, तो नीचे ध्यान नहीं है, तो ये कच पड़े। तो बारिश में वैसे ही सांप वाप निकलते हैं। चलो अब आप आगे का रास्ता देखो, मैं नीचे थोड़ा देख के चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं ना, ये पहाड़ शुरू हो चुका है, पर इसका पहाड़ का पता कहाँ से लगेगा, जब इसका एंड हो जाएगा, जहाँ से हमें नीचे की तरफ उतरना है वहाँ पे इसका पता लगेगा। अभी बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। अगर आपको तो यहाँ पे पता लगाना है ना, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ से नीचे खाई जा रही है, इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो हम लोग सच पे ही एक पहाड़ पे है और वहाँ पे सूर्य देवता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर में हम पहुँच ही जाएंगे लगभग। एक तो यहाँ सांप सूप का बहुत डर लग रहा है, कहाँ से क्या आ जाए कुछ भी नहीं पता। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो असोला की बात थी, पर यहाँ पे भी बताता हूँ। ये तो तिलपत बायोडायवर्सिटी पार्क है, ये पूरा आर्मी का एरिया है। जो मैंने अभी आपको वहाँ खाई दिखाई थी, उसके पार BSF के कैंप्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। क्यों? क्योंकि इधर जंगली जानवर हैं बहुत सारे। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो हद मार के हैं, वहाँ पे तो तेंदुए वेंदुए भी हैं, हाइनास भी हैं, लगड़ बग्गे। और जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे गीदड़, लोमड़ी, भेड़िए, ये सब तो हैं। सांप तो हर जगह ही होते हैं वैसे, पर इनका डर है क्योंकि ये लोग झुंड में आ जाते हैं जानवर। और यहाँ मैंने कई बार देख रखे हैं, बल्कि गीदड़ तो मैंने बहुत बार झुंड में देखे हैं, लोमड़ी भी बहुत बार दिख चुकी है। चलो, यहाँ बहुत देर हो गया चलते हुए, एक बार रास्ता ढूंढते हैं कहाँ हैं, हम शायद से गलत आ गए, पोपट ना हो जाए हमारा। नहीं, सही आ गया, देख वहाँ आ गई ना वो खाई सी, पेड़ खत्म हो गए। पहुँच गए दोस्तों, पहुँच गए एकदम करेक्ट, मस्त। ये देखिए वहाँ से हम आए हैं, एकदम घना जंगल है। और ये देखिए सांप के बिल, इधर इधर से दिखाता हूँ, ये यहाँ सांप के बिल हैं दोस्तों। ये देखिए, छेड़ नहीं लेनी चाहिए कभी भी, इसलिए हम लोग चलते हैं अपना। अरे वो तो बहुत आगे निकल गया, मैं कैमरा की सेटिंग करने में ही रहेगा। चलिए, थोड़ी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी दोस्तों, क्योंकि चलते हुए शूट करना बड़ा मुश्किल काम है, पर मज़े बहुत आ रहे हैं। यहाँ हम जितनी बार भी आते हैं, उतनी बार ही हमारे मुंह से यही निकलता है कि भाई मज़े आ गए, स्वाद आ गए।
चलिए पहुंच गए बस अब हम। वहाँ ऊपर एयरप्लेन जा रही है, आपको शायद से दिख नहीं रही होगी, देखिए वो छोटी सी। चलो यहाँ मकड़ियों के जाले बहुत हैं, पेड़ों पे दिखते भी नहीं है, सीधा मुंह पे लगते हैं आके। बंदरों की आवाज आ रही है, मोरों की भी आवाज आ रही है। अब हम यहाँ एकदम करेक्ट जहाँ में आना था वहाँ हम आ चुके हैं। वहाँ देखिए ये नज़ारे आप कैमरे में नहीं देख पाओगे अच्छे से, पर जो हम देख रहे हैं ना लिटरली बहुत बढ़िया है। चलो अभी हमें यहाँ से नीचे भी उतरना है। नीचे एक छोटी सी डैम बनाई हुई है, जब ये बायोडायवर्सिटी पार्क बना था जब ही बनाई गई थी उससे पहले के, वो मेरे को नहीं पता है वो डैम के क्या काम करती है। जो इस तरफ का पानी है वो इस तरफ भेजती है। ये देखिए इसे कहते हैं नज़ारे, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी हिल स्टेशन पे हैं शिमला वगैरह में। और जो भी आगे आपको घर से दिख रहे हैं ना वे घर नहीं है, जो यहाँ पे मैं रहता हूँ जैसे कि मैदानगढ़ी में, तो यहाँ से आगे है नेपसराय। तो नेपसराय में एक यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, तो उसके कैंपस हैं। यहाँ जैसे प्रोफेसर हो गए या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो गए वे लोग रहते हैं। अब बताओ हमने इसको नाम क्या गलत दे दिया है ना, ये मिनी मनाली। ये देखो नीचे एकदम हरियाली हरियाली, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं वो देखिए। ये नीचे है, ये पूरी खाई है। और ये जो आपको दीवार दिख रही है ना दोस्तों, इसके इस तरफ है जो मैंने आपको बताया था कि इधर मैंने भेड़िए देखे थे, वो क्या कहते हैं गिद्दड़, खुद ही बोलता हूँ खुद ही बोलता हूँ। बढ़िया जगह है, आप यहाँ से नीचे उतरेंगे थोड़ी देर में, इतना आप इन्जॉय करिए। दोस्तों अब यहाँ से उतरेंगे, चलो थोड़ा जोखिम भरा काम है, चढ़ने में तो लगभग एक मिनट भी नहीं लगता है ना भाई, उतरने में ऐसी तैसी उतार दी है। तो यहाँ से एक कदम भी फिसला ना तो नीचे जी उसमें जाएंगे और मरेंगे, तो चलो छोटे हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। चलो आए, ये देखिए हम संभल संभल के उतरना पड़ रहा है। और ये हमारे साथ भाई आ रहे हैं, अभी यहाँ पे जाना है नीचे। देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ ये पूरी खाई है नीचे तक, वहाँ चलते हैं आराम आराम से अभी। चलो आपको सीधा मिलते हैं हम लोग नीचे। तो दोस्तों भी इधर से उतरे हैं, और ये देखो क्या जंगल है, मतलब मस्त एकदम। और अगर यहाँ हमें कोई सांप मिल गया या कोई जानवर मिल गया तो भागने का कोई वो ही नहीं हमारे पास रास्ता। चलो यहाँ उतर गए। ये देखो कितना घना जंगल है, ये है वो डैम जिसकी मैं बात कर रहा था। वैसे डैम जैसी लगती तो नहीं है, जो दोनों तरफ पेड़ है, पर वो है इस तरफ है जो तिलपत वैली ज्यादा फैली हुई है, तो इधर पानी पहुंचाना जरूरी है। जैसे मॉनसून में बहुत बारिश होती है तो इधर जो पानी भरता है वो यहाँ से फ्लो के इधर आ जाएगा, फिर वहां से वो उधर चले जाएगा। और इधर हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि इधर जानवर आते रहते हैं पानी पीने के लिए,
चलो दोस्तों, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आप लोगों के लिए हम ऐसी ऐसी जगहों पे जोखिम लेके जाते हैं। ये देखिए वहां थे हम ऊपर और अब हम इधर नीचे हैं। चलो हे गाइस, अब वहां से एक्सप्लोर करके घर पे आ चुके हैं। अब टाइम हो चुका है ब्लॉग का एंड करने का। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट चल रही है, बट मस्त वीडियो एकदम देखना। एक्सप्लोर करके आए हैं और वहां सच में लेपर्ड हैं सोलर वैली में। मैं कुछ फेक बात नहीं बता रहा। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। बाय।